अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मुझे कोचिंग चाहिए, दैट वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड। जब मैंने सोचा कि कोचिंग करना है वाजीराम में करना है, क्योंकि आई रिसर्च अ लॉट अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, तब मैं डिसीजन पे पहुंचा कि वाजीराम में करना है। पता चला कि वहां की फीस 1.5 लाख है, रहने का खर्चा 3-3.5 लाख तो आराम से हो जाएगा। अरे घर में टोटल सेविंग 10,000 से ज्यादा नहीं थी उस टाइम, बट आई सॉ द ड्रीम, करना है यहीं से करना है। एंड फिर गांव से एक बिजनेसमैन ने बोला कि ठीक है, यू गो टू दिल्ली, यू परस्यू योर ड्रीम, आई विल फाइनेंस योर एक्सपेंडिचर्स। बट ये तब हो पाया जब आई सॉ द ड्रीम विदाउट कंसिडरिंग द सिचुएशंस। इसलिए ओम शांति ओम का एक डायलॉग जो मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने शिद्दत से चाहा था यूपीएससी को, और जिस दिन दिल्ली में मैंने पैर रखा था उसी दिन मेरे दिमाग में क्लियर था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा। इस मेंटालिटी के साथ, सी होप्स वी कैन डू, हम ड्रीम्स देख सकते हैं, रिजल्ट क्या आना है वो अपने हाथ में नहीं है। तो जब प्रिपेरेशन कर रहे हो और अगर दिमाग में आता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, टेल मी वन थिंग, वो आपके हाथ में है क्या? इज दैट इन आवर हैंड, रिजल्ट क्या होगा? नो, व्हाट इज इन आवर हैंड? वर्किंग, गिविंग योर 100% फॉर दिस एग्जाम एंड विथ प्रॉपर स्ट्रेटजी, दैट इज इन माय हैंड, आई विल डू इट। और अगर इतनी शिद्दत से मेहनत की है 100% देके और फिर भी एग्जाम नहीं होता, बिलीव मी यू वॉन्ट बी डिससेटिस्फाइड, you won't be demotivated, you will feel I gave my 100%, आगे उसकी मर्जी। ये attitude के साथ रहना है इस exam में।